everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about common laboratory values. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे complete blood count, जिसमें हम test and normal ranges देखेंगे. Complete blood count CBC में RBC, WBC, platelet, hemoglobin and HCT means hematocrit जैसे test आते हैं. Normal ranges क्या होती हैं? RBC की normal range male and female में different होती है. Male में 4.5 to 5.5 ml होती है, female में 4.0 टू 4.9 होती है. WBC 4500 से 10,000 होती है. प्लेटलेट्स 1 लाख टू 4.5 लाख होती है. हीमोग्लोबिन मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है. ओके, देन इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल काउंट, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स 54 to 62% होती है, इसेनोफिल्स 1 to 3% एंड बेसोफिल्स 0 to 0.75%. ओके, लिम्फोसाइट 25 to 33% एंड मोनोसाइट 3 to 7%. ओके, इसी तरह सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें कि कई टेस्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम आयनाइड, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस जैसे टेस्टेड होते हैं, जिसमें कि नॉर्मल रेंजेस इनकी ये होती हैं. एंड जब भी हम टेस्ट कराते हैं उसमें साइड में पेशेंट की भी रेंजेस लिखी होती है, जिससे हम इन टेस्ट के थ्रू हम उन्हें जान सकते हैं कि वो हाई हैं या फिर लो हैं. ओके, जैसे कि सोडियम में 135 to 145 हो गया, या फिर पोटेशियम में 3.5 to 5.5. ऐसे ही हम रेंजेस को देखते हैं. यूरिनलाइसिस में यूरिन को एनालाइज करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं, जिसमें वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच 4.5 टू 8 पीएच होता है, नॉर्मल कास्ट यूरिक एसिड देखते हैं. केमिस्ट्री वैल्यू में बर्न मींस कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें कि 3 में ये डिवाइड है, अडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट में. सीरम केराटिन, केराटिन क्लियरेंस, जिसकी मेल एंड फीमेल अलग अलग नॉर्मल रेंजेस होती हैं. एल्बुमिन, बिलिरुबिन, यूरिक एसिड, केराटिन, फॉस्फोकाइनेट्स, जैसे ये टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री वैल्यू में. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्या लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, क्या नॉर्मल रेंजेस होती हैं. ओके, फिर है लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, आइडियल, बॉर्डरलाइन एंड हाई, 3 में ये डिवाइड होती है. लो एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, SGPT एंड SGOT, ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होते हैं जो मेनली कराए जाते हैं. ओके, एंड इसको हम देखते हैं, इनकी नॉर्मल रेंजेस देखते हैं, क्या पेशेंट की रेंज है, उसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.